हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेवलिया एक्सप्रेस। तो आज की इस वीडियो में होने करने जा रहे हैं हम अपने क्लॉथ हॉल, नहीं सरोजनी हॉल, सरोजनी हॉल, क्योंकि हम गए थे सरोजनी मार्केट एंड अपने लिए लेके आए हैं विंटर के लिए। बहुत सारी ड्रेसेस, आउटफिट्स और बहुत तो हमने कुछ सोचा चलो, इतने दिन से हमने कुछ वीडियो बनाए भी नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजन चल रहे थे, एग्जाम एग्जाम ये वो। तो उनको परे करते हुए अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, विंटर सरोजनी हॉल जिसमें हम दिखाएंगे अपनी विंटर कलेक्शन। आउटफिट में सबसे पहला आउटफिट हमारे पास दिस बुलन बुलन हाई नेक, और ये है इसका, यस दिस इज माइन। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद चीज इसमें आई है वो है ये है, क्या बोलते हैं, बैगी, एकदम ओवर साइज। मुझे, मैं तो स्पेशली ओवर साइज लेके आई हूँ एंड दिस हाँ, मतलब इज ये हाई नेक टाइप है और जैसे थोड़ा बुलन होते हैं, होता है, आप इसको जैसे थोड़ा टक करके पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक दिस, देता है यस। ये। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट, नेक्स्ट आउटफिट है रितु का, शो मी। और ये है मेरा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि ये इतना कलरफुल है। बट इट इज नॉट बैगी, जैसा कि आप देख रहे हो बैगी हाँ नहीं हाँ है, हाँ बट इट इज वेरी वेरी नाइस और मुझे भी बहुत पसंद आया था। बट इट इज फॉर एंड इट इज हंड्रेड फॉर रुपीज 100 रुपीज। वाओ, नाइस काफी चॉइस अच्छा है। रितु, नाइस चॉइस। सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट आउटफिट, सो दिस इज आवर नेक्स्ट आउटफिट। ये है मेरा, ये मैं लेके आई थी, गेस करो, गेस करो एक बारी। 50 आपको पता। तो ये ऐसे ही हमने ले लिया 50-50 की, वहां पे एक सेल लगी हुई थी तो वहां पे ही हमें पसंद आ गया। तो एंड ये है चिंकी का, चिंकी, दिस इज माइन एंड यू कैन सी दैट इसके ऊपर हम कोई भी ब्लेजर और अपना कोई भी स्वेटर पहन सकते हैं एंड विल गो विद एनी थिंग, एनी जीन्स, एनी एनी कलर ऑफ जीन्स, लाइक दिस इज प्रिटी। उसके बाद आते हैं हम अपनी कैप्स कैप्स, बड़ी पे, जल्दी आगे कैप्स पे। अच्छा, दिस इज माइन बाय द वे, और दिस दिस इज इज माइंड, माइन, तो कमेंट डाउन कि किसकी किसकी अच्छी अच्छी है, है। मैं पहन पहन के लेती भी हूँ। दिखा देती हूँ, विंटर वाइब्स। सो ये हमें वहां पे मिली है 150 ईच, बाकी वहां पे 200-200 की मिलती है ये, बट हमने दो ली थी। और जैसे कि हम सुबह के टाइम गए थे तो भैया ने बोला कि चलो ठीक है, आप सुबह सुबह के टाइम आए हो तो मैं आपको 150 की लगा एंड दिस दूंगा, इज द एक्सपेंसिव थिंग विच वी हैव बॉट फ्रॉम देयर, बट वर्थ इट। या वर्थ इट। नेक्स्ट आउटफिट, दिस इज माइन, और इससे पता मुझे गुची वाली वाइब आ रही थी वैसे तो। और ये जो है, एंड दिस इज दिस रियली इज रियली ऑल्सो हाई वेरी नेक, जो प्रिटी। कि हाई नेक ही हाँ, उठा के लाई है ज्यादा। तू अच्छा लगा ना, मन खुश होना उसके जो चाहिए। चेक और ये जो व्हाइट वाला, इसमें जो ये कॉम्बो दे रखा है कि ऊपर नेक पे चेक है, ओ, नेक पे व्हाइट है और कफ पे, और नीचे ये वेस्ट पे भी व्हाइट है और बीच में चेक, ये वाला कॉम्बो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। जब इसने लिया तो मुझे लगा कि यार अच्छा पीस है, इसको कहां से हाथ लग गया। सो दिस इज ऑल्सो 400 रुपीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये भी हमने वहीं से लिया था, बट क्या बोलते हैं, पिछली लास्ट पिछली विंटर्स, लास्ट विंटर, लास्ट विंटर्स में ये भी वहीं से लिया था हमने 400 रुपीज। एंड ये काफी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे, इसमें मतलब पूरी पार्टी वाइब, अगर हमें पार्टी में भी कहीं जाना है और हमें कुछ हैवी पहनने का आई वॉज कुछ। विशिंग टू वेयर दिस ऑन माई फ्रेशर्स, बट कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। और ये दोनों भी 100 के थे। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्या ड्रेस, तो अब टॉप, ये मेरा है, एंड आई रियली डोंट लाइक दिस पीस। सॉरी फॉर यू नो। सो ये भी एक बैगी टाइप का मैंने लिया था, ये भी 50 में। तेरे से बुराई करूंगी, आना अब तू, मैं भी तेरी बुराई करूंगी। हाँ, तो ये भी 50-50 में चल रहा था, तो वहां पे तो मेरे को कुछ वहां पे अच्छा सा दिखा नहीं, बट 50-50 की सेल थी तो मैंने सोचा यार बिना कुछ लिए जाना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे हाँ, बुरा लग जाएगा उनको, शॉक क्योंकि पीपल यार को। 50-50 में भी कुछ नहीं ले सकते तुम। तो वहां पे मैंने, मेरे को ये थोड़ा ठीक लगा, थोड़ा बैगी था तो मैंने सोचा कोई नहीं, अच्छा, इसके ऊपर कुछ प्यार करके पहन सकते हैं नहीं इसके एंड ऊपर नहीं, बाय द वे इसके ऊपर भी अच्छा लगेगा और इसके नीचे भी, मतलब दिस कैन वर्क एज स्वेटर और टॉप बोथ। तो मेरे को लगा कि यार अच्छी चीज है, लेते हैं, 50 रुपीज में क्या ही जा रहा है, तो दिस इज मूविंग फॉर 50। तो ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है ये ये, टॉप, तो ये टॉप है, ये भी 100 का है, 100, यस। यस। और एंड इसकी जो मुझे इसके डिफरेंट कलर बहुत पसंद आए थे। लाइक रेनबो वाली फीलिंग आती है, जो एकदम अच्छी सी फीलिंग आ रही थी इसमें, तो ये मेरा है बाय द वे। और अब इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, मेरे पास भी दो तीन अच्छे पेयर्स हैं, अच्छे। ओके ठीक है, ये मेरे को काफी अच्छा लगा बिकॉज ऑफ अलग अलग शेड्स है इसमें,
और ये थोड़ा बैगी भी है या एंड इसकी लॉन्ग लॉन्ग स्लीव्स भी बहुत सुंदर लगती है मेरे को. ओके नेक्स्ट वन. मैं कभी कभार इसको पहन लिया करूंगी जब मुझे जरूरत. शट अप. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज माइन. I really like this piece. Although मैंने इसको है ना ये थोड़ा डिजाइनर लुक देता है. Yes, ये बहुत ही ज्यादा डिजाइनर है. Like, नीचे से दिस इज लाइक फ्रॉक फ्रिल फ्रॉक और ये यहाँ से तो थोड़ा डिजाइनर. By the way, ये वुलन है मतलब ऐसे नहीं है कि ठंड में पहनने के लिए है. बाकी सिर्फ ये जो कपड़ा है ये दिस इज सैटन बाय द वे. Yes. So this is also for 100. तो मतलब 100 करने मिल जाएगा. बहुत बहुत बहुत. जैसे आप अगर सरोजिनी नगर जाएंगे तो आपको लाइक 100 में तो बेस्ट चीजें मिली जाएंगी और बाकी 200 में उससे भी ज्यादा बेस्ट और उससे ज्यादा तो 80-50 में तो जैसे कि मुश्किल है थोड़ा सा. बट थोड़ा थोड़ा वहां पे मेहनत लगती है. खोजना पड़ता है वहां पे थोड़ा. सो दिस इज फॉर 100 और रियली रियली मतलब मेरा तो ये बिल्कुल फेवरेट है. बट है ना इसके नीचे मैंने इस वीडियो में पेयर की है लाइट ब्लू जीन्स. बट आई रियली थिंक कि इसके नीचे ब्लैक जीन्स ऐसा कुछ नहीं है. ब्लू सब पे जाती है. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना कि इसके नीचे ब्लू भी अच्छी लग रही है. मैंने सोचा था कि आई विल वेयर ब्लैक बट इसने इंसिस्ट किया कि नहीं ब्लू 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 तो मैंने ब्लू पहना. बट आई रियली थिंक कि ब्लैक अच्छी लगी. कमेंट डाउन आपको क्या लगता है. मैं आगे से वही ट्राई करूंगी. ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो ये भी चिंकी का ही है. दिस इज माइन और जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैं तो बिल्कुल ऐसे दिस विंटर मैं तो बिल्कुल बैगी बैगी क्लॉथ्स पहनने वाली हूँ. दिस इज माइन और इसका जो सबसे अच्छे मेरे को पार्ट लगा इसका एक तो पहली बात तो ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये तो महंगा लेके आई है. 200 का है. शट अप. ओके दिस इज फ्रेश पीस. एकदम बिल्कुल शॉप के अंदर से लेके आई थी मैं इसको. हाँ दिस इज इसकी भी सबसे अच्छी बात पहली बात तो ये बैगी है. उसके बाद जो इसकी स्लीव्स है बहुत लॉन्ग है. अब यहाँ पे स्लीव्स में कट है. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. तो ये जैसे इसकी मम्मी का हो. हाँ तो ये मेरी मम्मी भी पहन सकती है. देखो कितने ज्यादा बेनिफिट है. ओवर साइज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है. इस विंटर तो मैं ओवर साइज ही पहनूंगी मेरे को ऐसा लग रहा है. नेक्स्ट वन. सो सबसे अच्छी जो मेरी मेरे को जैकेट लगी. हम 3 जैकेट लेके आए थे और जो सबसे बेस्ट लगी वो ये मेरे को ये वाली लगी. एंड बाद में ये डिसाइड हुआ कि हाफ ये मेरी है हाफ रितु की है. हाँ तो इसका एक हाथ मैं लेने वाली हूँ एक हाथ ये लेने वाली है. तो ये हमें मिली है 200 की और जो इसका कॉम्बिनेशन है मतलब गोल्डन और ये ब्लू ये बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है. और पहनने के बाद आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है. ये किलर बहुत अच्छी लग रही है मेरे को भी. और ऊपर इसको ऊपर तक हम बंद कर सकते हैं. ऊपर भी इसमें ये बट मैं बंद नहीं करूंगी बिकॉज इट्स माइन. Moving on to the next cloth. Okay, so next blazer is this. तो ये पीस है ये है मेरा ये दिस ब्लेजर इज माय लव बिकॉज मुझे ना फर वाले ब्लेजर्स बहुत पसंद है. तो मैंने स्पेशली मैं पूरा मार्केट छान लिया. मैंने लास्ट में मुझे ये मिला. बिल्कुल मैं तो ऐसे हो गया था मेरा कि मुझे तो मिलने ही नहीं वाला बट लास्ट में मुझे मिल गया मेरा फेवरेट फर वाला ब्लेजर. और ये मैंने इसको ढूंढ के दिया है. इट्स ओके मिलना चाहिए. बस मिलने से मतलब है. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्लेजर इज कि ये फर है ना ये यहाँ से हट सकते हैं. तो इफ यू वॉन्ट टू वेयर इट विदाउट फर तो वैसे भी पहन सकते हैं. और ये हमें मिला है 200 में. मतलब 200 इन्वेस्टमेंट. 200 में आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लेजर वहां पे मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे. बेकार भी मिलेंगे. हाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा. ढूंढना आना चाहिए आपको. मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट. तो अब आते हैं बहुत ही शानदार ब्लेजर पे जो कि मेरा है. और ये है मेरा. और इसके जो फर है सीरियसली इतने स्मूथ हैं और इतने अच्छा लुक देते हैं. अच्छा लुक देते हैं. बस ऐसा मन करता है इनको ऐसे करते रहे. और इसमें भी यही है सेम चीज कि हम इन फर्स को निकाल सकते हैं. और बिना इसको निकाल के जैसे वॉश करना हो तो इसको निकाल के वॉश कर लो और उसके बाद इनको दोबारा लगा लो या फिर पहनना हो तो इनको निकाल के पहन लो. बट इसमें एक जो कमी थी वो ये थी कि इसमें बटन्स नहीं थे. तो ये बटन्स हमने खुद से मतलब लेके आए हैं बाहर से और तब लगाए हैं. तो ये ले देके हमें 300 का पड़ गया. वैसे ये ब्लेजर हमें 200 का मिला था वहां से और बटन्स लगाने के बाद ऑलमोस्ट हमें 300 का पड़ गया. सो दिस इज रियली अ नाइस इन्वेस्टमेंट. बट बटन अगर लगे होते तो ये और भी अच्छी हो सकती. यस सो बस ये दिखा दीजिए. That's it for the video. अगर आपको हमारे आउटफिट पसंद आए हैं तो आप बता और स्पेशली मेंशन करना कि आपको कौन सा आउटफिट पसंद है. और ये भी मेंशन करना कि मेरे कपड़े अच्छे थे या इसकी ऑब्वियसली मेरे
लेकिन आप जरूर कमेंट डाउन करना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और शेयर पक्का कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोनों बच्चियां बहुत गंदी हैं ये। बाय टाटा।